मैं अभी ग्राम नया गांव फेज टू नोएडा में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है नोएडा प्राधिकरण के द्वारा कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें। जब यहाँ पर कूड़ेदान होगा ही नहीं तो यहाँ के जो आसपास के जनता के लोग हैं, समाज के लोग हैं, वो कूड़ा कहाँ पर डालेंगे? ये जो ग्रामवासी है वो कूड़ा कहाँ पर डालेंगे? और अगर हम बात करें इस रोड की तो नोएडा प्राधिकरण के जो बड़े बड़े वादे होते हैं ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ आपको असली सच्चाई। देखो यहाँ पर कितना पानी भरा पड़ा है। ये गांव का मुख्य मार्ग है, ये तीन गांवों से जुड़ता है, नया गांव, इलाहाबाद और याकूबपुर। देखिए आप क्या जुड़ रहा है गाँवों की, ठीक है। आप देख सकते हैं चारों तरफ मलबा ही मलबा है और गंदगी ही गंदगी है, ठीक है। अब नोएडा प्राधिकरण कहते हैं कि कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें, तो जब कूड़ेदान है ही नहीं जनाब तो कूड़ा डाले कहाँ? अच्छा, एक समस्या और जो बहुत बड़ी जो लगातार मैं देखता आ रहा हूँ, नोएडा प्राधिकरण के द्वारा अवैध अतिक्रमण को हटाने का काम किया जा रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे ये नए गांव का मेन फ्रंट गेट है, यहाँ पर अतिक्रमण देखो किस तरह इन लोगों ने कर रखा है। बिल्कुल मुख्य मार्ग जो है नए गांव का पूरा इन लोगों ने घेर रखा है, ठीक है। अब बात करते हैं अतिक्रमण की, तो जो गरीब होते हैं उन लोगों को तो ये आशा ने उजाड़ देते हैं, उनका कारोबार उजाड़ देते हैं, लेकिन जहाँ से इनको मंथली मिलता है या हफ्ता मिलता है ना, वहाँ पर ये लोग कुछ भी कार्यवाही नहीं कर सकते। आप देखते हैं चारों तरफ अतिक्रमण नज़र आएगा आपको, यहाँ तक के रोड के बीचों बीच नज़र आएगा। अब आप मुझे ये बताइए कि ग्राम इलाहाबाद के या नए गांव के याकूबपुर के लोग जो हैं वो भारतीय नागरिक नहीं हैं? बताइए आप भाई, अगर भारतीय नागरिक हैं तो यहाँ पर ये अतिक्रमण हटना चाहिए यहाँ से। यहाँ की रोड एक अच्छी पड़ी हैं, कितना कूड़ा पड़ा है सामने देखिए आप भाई। नोएडा प्राधिकरण कहता है कि कार में कूड़ा फेंकने से 1000 रुपये की पेनल्टी, ठीक है, और अगर आप अपने आसपास कचरा फैला रहे 100 रुपये की पेनल्टी, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कितना पानी, कितनी गंदगी है, बताइए आप भाई। नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी लगातार यहाँ से सर्वे करते हैं, ऑडिट करते हैं, मैडम भी यहाँ पर आती रही, तो मैम आप देख सकते हैं कितना कूड़ा है यहाँ पर, बताइए भाई। एक इंडस्ट्री एरिया में, नोएडा जैसे कि हाई प्रोफाइल एक एरिया है, इंडस्ट्री एरिया पर तो कितनी गंदगी है बताइए, कितनी गंदगी, कितना पानी भरा पड़ा है बताइए आप भाई, कहाँ सफाई है बताइए। अब नोएडा प्राधिकरण पर क्या जुर्माना लगाना चाहिए मुझे बताइए। आप देख सकते हैं कितनी गंदगी है नोएडा के अंदर। अभी परसों इन लोगों ने जो है अवैध अतिक्रमण हटाया था, अब आप फिर देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल मुख्य मार्ग पे अवैध अतिक्रमण, यानी कि रोड बिल्कुल घेर रखी है, एक बाइक निकलने तक की जगह नहीं है। आप बताइए मुझे।